लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कुछ पॉलिनोमियल दिए होंगे, एक एक करके उन पॉलिनोमियल्स के जीरो को फाइंड करना है। जीरो क्या है आपको पहले बता चुका हूं, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है एक्स, उसकी वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, या पॉलिनोमियल को जीरो करने पे एक्स की जो वैल्यू आए वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो हमको इसका जीरो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है यानी कि एक्स प्लस 5, इसको करेंगे जीरो के इक्वल। देन क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो हमारा प्लस 5 होता है वैल्यू, ये प्लस 5 इक्वल के लेफ्ट तरफ रहा है, इसको इक्वल के राइट तरफ उठा के ले आएंगे तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को इसकी साइड चेंज करते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो उसका जो साइन होता है, जो सिंबल होता है प्लस, वो माइनस में हो जाता है। अगर वो माइनस में होता है तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये प्लस में था इसलिए इधर आया, तो माइनस में हो गया, तो माइनस 5 जो वैल्यू आई इसको हम लिखेंगे माइनस 5 इज जीरो ऑफ एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 का जीरो क्या है, माइनस 5, यानी एक्स की वैल्यू जो आती है वही क्या होता है, हमारा गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसमें भी वही करेंगे, एक्स माइनस 5 को जीरो के इक्वल करेंगे, माइनस में 5 है इक्वल के राइट तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5। और आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो कि किसी भी नंबर के पहले जो साइन होता है प्लस में होता है तो उसको शो करने की जरूरत नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि शो कर दिए तो गलत था, गलत नहीं है लेकिन जरूरत नहीं, ठीक, लिख भी लो नहीं भी लिखो दोनों बात एक, ठीक है। तो इसमें भी स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे 5 इज जीरो ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपको फोर्थ वाला दिया है, थर्ड वाला फोर्थ की तरह है इसीलिए फोर्थ करा रहा हूं, इसको कर लोगे तो थर्ड अपने से कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। इसको भी उठा के जीरो के इक्वल करना है, देन माइनस 2 को इधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2, देन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई 2/3, तो ये हमारा एक्स की भी वैल्यू यहां पे फाइंड हो गई है। इसको भी लिखेंगे हम स्टेटमेंट में 2/3 इज जीरो ऑफ 3x-2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके दो क्वेश्चन अभी और करने हैं, 6 और 7, नोट कर लीजिए देन उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स 5, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कुछ आपके लिए भी तो होना चाहिए, सब हम ही कर देंगे तो तुम क्या मजा लोगे यार, है ना, थोड़ा सा मजा आप लोग भी लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए एक्स, एक बात ध्यान देना, इसमें कंडीशन दी हुई है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है, बात को समझो, इसका मतलब ये है कि ए जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता है, मतलब हम कोई भी सॉल्यूशन करें उसमें अगर ए की वैल्यू जीरो आती है तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आप ला सकते हो। अब देखो बात को ध्यान से समझो, क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, वही पुराना मेथड, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे, देन एक्स को रखे रहेंगे, ए को भेजेंगे, एक्स अच्छा लगता है ना इसलिए एक्स को रख रहे हैं, या मैं कहूं कि हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक्स ही लेट करते हैं हम लोग, इसलिए रोक लेते हैं, करते हो ना, खुद से पूछो, अपने क्लास के टीचर से पूछो, मैक्सिमम क्या होता है जब भी हम लोग कोई नंबर लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट दैट नंबर इज इक्वल टू एक्स, फला नंबर इज इक्वल टू एक्स करते हैं ना,
कितना नंबर है जो एक्स के अलावा 25 अल्फाबेट और बचते हैं इंग्लिश में, उससे पता नहीं क्या दुश्मनी सबको एक्स ही लेट कर लेते हैं हर बार। उस पर खैर कभी और बात करेंगे, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो ए मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो डिवाइड में। जैसे अभी बताया था कि प्लस का नंबर साइड चेंज होता है तो माइनस, माइनस का प्लस, वैसे ही मल्टीप्लाई के नंबर को साइड चेंज करोगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले आओगे तो वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड के नंबर को चेंज करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो किसी भी नंबर से अगर जीरो को डिवाइड करते हो तो आंसर आता है जीरो। किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो, ध्यान से समझना, नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो यानी कि जीरो न्यूमरेटर प्लेस पे है तो उस केस में आंसर आता है जीरो। जीरो डिनोमिनेटर प्लेस में होगा तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, ध्यान देना। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका ये जो वैल्यू है हमारे पास पी एक्स, तो इसका हम आंसर लिखेंगे जीरो इज, जीरो इज जीरो ऑफ ए एक्स, जीरो इज जीरो ऑफ ए एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, ये मैथ वाला जीरो, हिंदी वाला जीरो नहीं, समझ रहे हो। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी, इसको इक्वल कर देंगे जीरो के। सी एंड डी आर रियल नंबर, रियल नंबर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, ये पॉलिनोमियल जो है रियल नंबर का ही तो हम लोग बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, तो ये बस वही कंडीशन लिख दिया, कोई खास मतलब नहीं है, मतलब इस पॉलिनोमियल से। इसको जीरो के बराबर लिखो, सॉल्यूशन शुरू करो, सी एक्स इज इक्वल टू प्लस डी, इधर आएगा तो माइनस डी, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, सी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी बाई सी, आ गई ना, लिख दो स्टेटमेंट, माइनस डी बाई सी इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। क्या है ना स्टूडेंट, देखो मैटर थोड़ा सा करता है, मुझे मैथ अच्छी लगती है, हमको सोशल पढ़ना अच्छा लगता है, पॉलिटी अच्छी लगती है यानी कि संविधान, इसके बारे में डिस्कशन करना अच्छा लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन एक समस्या है, मैथ इतनी अच्छी लगती है कि राइटिंग बहुत खराब है। तो राइटिंग को नोटिस मत करना आप लोग, इस फॉर्मेट को नोटिस करना, और जो बता रहा हूं मेथड उसको यहां पे नोटिस करना, उसके अलावा कुछ मत नोटिस करना। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना।